the students appearing in the exam. So आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेजेस की सर्च के बारे में कि किस तरीके से आप कॉलेज को अपना ड्रीम कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो और किन किन चीज़ों से आपको बचना है उन्हें करना अवॉइड करें उन सब चीज़ों को ताकि आपके और आपके डीम कॉलेज के बीच में कोई भी दूसरा कॉलेज ना आ जाए और आप उसी रास्ते में अगर आपके पास कोई एम है तो बहुत बढ़िया और अगर नहीं है अगर आप देख रहे हैं कि कौन सा कॉलेज से लूँ ढूंढ रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इन चार चीज़ों को इन सब चीज़ों को करिए तो आपको ज़रूर इसमें मदद मिलेगी। तो फर्स्ट है कि जिससे आप अपने जो वर्बल कम्युनिकेशन है कि यार वो कॉलेज अच्छा है मैंने उसके बारे में अच्छा सुना है उसको ही आप लेके जाइए। दो वेबसाइट्स का नाम है यहाँ बताना चाहूँगी, शिक्षा.com और कॉलेज दुनिया। ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको कॉलेज की फीस से लेकर फैसिलिटीज़ तक रेटिंग्स तक सब कुछ मिलता है और उसमें आप कॉलेज कंपेयर भी कर सकते हैं। सो अदर देन एडवर्टिजमेंट पे जाने के रियलिटी पे आप फोकस कीजिए। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैं बताना चाहूँगी जो गलती मैंने भी करी है बहुत बड़ी, अवॉइड यूजिंग कोरा। ये कोरा वेबसाइट पे कई सिर्फ दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो बुरा कहते हैं अनोनिमस होकर और एक जो पूरे मतदाता है जो कि पूरा उनकी गुणगान गा देते हैं। सो इन दोनों से आपको बच के रहना है, आपको सही रिव्यू और हर कॉलेज का चाहे आप कोई से भी स्कूल में हैं आप कैसा रिव्यू देंगे आप बिल्कुल न्यूट्रल रिव्यू देंगे, खामियाँ और अच्छाइयाँ दोनों बताएंगे और कोरा पे सिर्फ या तो खामियाँ बताई जाती हैं या सिर्फ अच्छाइयाँ। और इसीलिए मैं आपसे क्योंकि आप 12th पास आउट अभी होने वाले हैं आप उस बोर्ड्स के एग्ज़ाम को आप देने को पूरे फोकस्ड हैं और यदि आप बोर्ड से पहले इन सब को सर्च कर रहे हैं तो फिर आप उस कोरा पे अभी मत जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ अभी उन वेबसाइट्स पे जाके ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन सी चीज़ें देखनी है। और अगर आपके बोर्ड हो गए हैं और आपको अभी टाइम है कि अभी देखना है कि मैं कौन सा पूरी रिसर्च करने की है, अगर आपके पास कोई एम नहीं है कि मैं कौन सा कॉलेज में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो फिर आप इंस्टाग्राम पे जाइए और उस कॉलेज को सर्च कीजिए, उसके मेंस पेज या उसके कोई भी सीनियर एलुमनी उस पे जाकर उनसे डायरेक्ट पूछिए बात कीजिए और आपको उस कोरा से ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी। मैंने लिटरली अपने बहुत से रिव्यूज़ पढ़े और उन सब के आज यदि मैं इंस्टाग्राम पे कंपेयर करूँ तो वो ज़्यादा और जो कि आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं उनसे तो वो ज़्यादा न्यूट्रल हैं और वो सच्चे हैं ना कि उनसे जो शुगर कोटेड है। सो अवॉइड यूजिंग दैट वेब साइट। और इसलिए कि हम अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उस टाइम पे आप वैसे अनोनिमस भी जा सकते हो, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनका एलुमनी नेटवर्क भी बहुत अच्छा है तो उस पे आप जाके पता कीजिए अपने उस पूरे कॉलेज के बारे में क्योंकि आपको 4 साल उस पर बताना है। किसी के एक के रिव्यू पे मत जाइए बल्कि पूरी कम्युनिटी के साथ आप पता कीजिए कि आखिर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या लोगों की राय है उसके प्रति और तब आप जाके अपने डिसीजन लीजिए। और थर्ड पॉइंट कि आपने ये सब सर्च कर ली, आपने पूरी इंफॉर्मेशन आपने जमा कर ली, थर्ड पॉइंट है अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए। ये बात मेरे साथ भी हुई थी क्योंकि हमने अपने फैमिली से पूछा नहीं कि उनका बजट क्या है या आखिर वो किस लेवल तक हमें अलाउ कर सकते हैं हमारी फीस को, तो बैठ के उन सबको अपनी रिसर्च दिखाइए कि इसका ये है ये इस रैंक पे आता है इसका ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है और ये सब वो सब रिसर्च आप उनको दिखाइए और फिर आप उन सब में से लिस्टिंग कीजिए फाइनलाइज कीजिए। और यहाँ पर भी साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि बहुत सी कॉलेजेस हैं जिनमें नई नई ब्रांचेस भी खुल रही हैं तो उसका भी आप ध्यान रखिए, कोई भी जो हमारे पास पहले से ब्रांचेस है उस पर ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा प्रेफरेंस आजकल जो लोग हैं जो टॉपर्स भी हैं वो भी उन नई ब्रांचेस को दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि फ्यूचर्स उसी पे बिलोंग करते हैं और 4 साल आपको देख के बता रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि क्या इंजीनियरिंग की आज वैल्यू है और उन लोगों की भी क्या हालत है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको
जो अपने स्टेट एग्ज़ाम है, एक तो नेशनल एग्ज़ाम होते हैं, वे है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE, और साथ ही साथ स्टेट भी एग्ज़ाम करता है। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो रीप है, और एक तमिलनाडु में भी TNE है, ये है, और वहाँ पर भी इन सब एग्ज़ामों को भरिए, इसमें दीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कहाँ हमारे लग जाए। और ये जितने इस कॉलेजेस में आते हैं वो टॉप के, बहुत स्टेट के बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड कॉलेज है, प्रेस्टीजियस कॉलेज है, इसीलिए इन सब को भी एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था, और उन्हें भरा ही नहीं तो उनका JEE में भी नहीं हुआ, और उनके पास ड्रॉप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस साल। इसीलिए एक्सप्लोर कीजिए, अपने बड़ों से पूछिए, और जितनी आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं एज अ फ्री टाइम। और अगर आप बोर्ड्स के पहले इन सब को सर्च कर रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा कम टाइम दीजिए, और अपनी परसेंटेज को बहुत ज़्यादा अप रखिए। क्योंकि जैसे इस साल हुआ कि यहाँ पर कोई भी आपके जैसे VIT का पेपर होता है वो नहीं हुआ, लेकिन हमारी परसेंटेज पे ही हमें मार्क्स दिए गए, हमें रैंक दी गई। तो इसीलिए हमारी 12th की परसेंटेज नहीं बिगड़नी चाहिए किसी भी हालत में। इसलिए बोर्ड्स पे पहले फोकस कीजिए, और उसके बाद आप कॉलेजेस के बारे में सोचिए। क्योंकि एक बार अगर बोर्ड संभल गए तो फिर आगे की राह बहुत ईजी हो जाती है। क्योंकि कई बार कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेते, और सिर्फ कॉलेज के बिहाफ पे, जैसे रीप में भी हुआ, रीप में भी कॉलेज वो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम नहीं हुआ गया, लेकिन हमारे 12th की परसेंट और 10th की परसेंटेज से हमें रैंक दी गई, और वो रैंक जो हम कट ऑफ है उसमें अगर आई तो फिर हमें वो कॉलेज मिला। और साथ ही साथ नई ब्रांचेस का भी ध्यान रखिए, कि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो कि बहुत अच्छे नए नए कोर्सेज भी ले रहे हैं, टाइप भी कर रहे हैं, उन सब का भी आप ध्यान रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रीप पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने भी उसमें जो भरना था हमें कॉलेज प्रेफरेंस, उसमें बहुत सारी गलतियाँ की थी, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी फर्स्ट से वो गलतियाँ दोहराएं। तो उस पर अगर मैं सेपरेट वीडियो आपको चाहिए ज़रूर से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। और अगर आप वोट्स दे रहे हैं इस साल तो आपको विशिंग ऑल द बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू फॉर watching this video, and do subscribe for more.